दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान, आप देख रहे हैं इमरान फिश ब्लॉग। आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि बिना कांटे की मछली यानी कम से कम कांटे वाली मछली और टेस्टी मछली कौन कौन सी है, सब कुछ बताने वाले ए टू जेड मछली दिखा। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आता है ये मल्ली मछली, जिसको ग्वाल मछली भी बोला जाता है। दोस्तों ये जो है ना स्वादिष्ट के साथ साथ जो है बहुत ही अच्छा इसका मांस होता है, और दोस्तों इसका जो है ना एक ही काट। उसके बाद आता है हलवा मछली। हलवा मछली इस तरह काला काला दिखने वाला पापलेट जैसा मछली, बहुत ही स्वादिष्ट के साथ साथ दोस्तों इसका जो कांटा होता है वो मुलायम और जो है बहुत ही कम कांटा होता है, ना के बराबर कांटे वाला मछली दोस्तों में लास्ट वाला बहुत। उसके बाद आता है डोम मछली की बारी। दोस्तों डोम मछली जो है ना दिखने में तो पुराना जैसा लगता है, ये समंदरी मछलियों में से एक है। इसका खाल इसी तरह उदड़ा रहता है, लेकिन जो है ना इसकी ताजगी की पहचान कर सकते हैं इसके कान देख करके और इसकी आंख देख सकते हैं। आंख सफेद बिल्कुल साफ सुथरी होगी जिस तरह के हमारी आंख होती है, और जो है ना इसके फूल जो है लाल होनी चाहिए। उसके बाद आता है रानी मछली। दोस्तों रानी मछली देखने में जितना सुंदर है टेस्टी भी उतना ही है। दोस्तों इसकी खास बात यह है कि ये सुंदर के साथ साथ जो है एक कांटे वाली मछली और समंदरी मछलियों में से ये है। दोस्तों इसको कोई कोई बम्बई की मछली भी बोलते हैं। दोस्तों बहुत ही टेस्टी मछली है एक कांटे वाली। उसके बाद आता है टूना मछली की बारी। दोस्तों ये मछली जो है ना बहुत ही बड़ा बड़ा साइज में भी आता है दोस्तों, और दोस्तों इसकी जो है ना खास बात यह है कि इसमें मांस भरा हुआ होता है। दोस्तों ये समंदरी मछली भी होता है दोस्तों। अगर आपको जो है ना इसका जो है ना मांस ज्यादा चाहिए तो ये वाला मछली आप ले सकते हैं, कांटे वाली मछली बहुत ही टेस्टी। दोस्तों उसके बाद आता है झींगे की बारी। दोस्तों झींगे को आजकल कौन नहीं जानता दोस्तों, इसकी बहुत मार्केट में जो है ना इसकी वैल्यू है दोस्तों। बहुत ही टेस्टी मछली के साथ साथ जो है इसके अंदर कोई सा भी कांटा नहीं रहता, बाहर एक ही कांटा रहता है दोस्तों। और जो है ये जब खराब हो जाता है इसका जो है ना सर की तरफ से लाल होके पूरा बदन लाल हो जाता है। इसकी बाम मछली, दोस्तों बाम मछली बोलते हैं इस मछली को, कोई कोई बामी भी बोलते हैं दोस्तों। इसको जो है ना बहुत ही जो है ना इसके ऊपर लुआब होता है, और दोस्तों ये जो है ना एक कांटे वाली मछली के साथ साथ जो बहुत ज्यादा फायदेमंद मछली है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप एक कांटे की मछली खाना चाहते हो तो ये भी खा सकते हो, बहुत ही अच्छा वाला मछली में से एक। उसके बाद आता है खग्गा मछली की बारी। दोस्तों इसको कहते हैं खग्गा मछली, ये टेंगरा जैसे दिखने वाला टेंगरा नहीं होता बल्कि इसको कहते हैं खग्गा मछली। दोस्तों इसके अंदर भी जो है ना एक ही कांटा होता है, आप बाहर से देखते हो तो कितनी शाइनिंग है और टेस्टी भी है। आप अगर आप देसी मछली के शौकीन है इनमें से भी खा सकते हैं। उसके बाद आता है चाल मछली। दोस्तों छोटे मछलियों में सबसे ज्यादा बिकने वाला चाल मछली है दोस्तों, बहुत ही टेस्टी है के साथ साथ जो है ना एक कांटे की मछली। अगर आप छोटे मछली पसंद करते हो तो ये खा सकते हो दोस्तों। उसके बाद आता है इस मछली की बारी। ये दोस्तों समंदरी मछलियों में से है, और दोस्तों इसका टेस्टी मांस के साथ साथ जो है ना एक ही कांटा होता है इसका, लेकिन इसकी जो प्रॉब्लम है ये पूंछ की तरफ से जो है ना इसकी एक जो है ना कांटे से की एक लेयर होती है, इसको जो है ना गर्म करके फिर उतारा जाता है छुरी से। आप ये भी खा सकते हो, और आप ये भी खा सकते हो बड़ा बड़ा जो झींगा होता है वो बड़े बड़े टांगों वाले, इसके अंदर से जो है ना इतना मोटा वाला जो है ना मांस निकलता है, इसको भी जो है ना आप निकाल के खा सकते हो बहुत ही अच्छा तरीके से बना के। उसके बाद आता है गैची मछली की बारी। दोस्तों ये जो है ना गैची मछली उस बाम मछली की तरह दिखने वाला मछली है, लेकिन बाम मछली के जितना बड़ा नहीं होता, और दोस्तों ये जो है ना बाम मछली से भी ज्यादा टेस्टी होता है, और थोड़ा सा ये जो है ना बाम मछली से भी ज्यादा महंगा होता है। एक कांटे की मछली है दोस्तों, ये एक कांटे की मछली है, इसको भी आप खा सकते हो। इसके बाद आता है सुरमई मछली, जिसको सुरमा मछली भी बोलते हैं दोस्तों। ये जो है ना बहुत बड़े बड़े जो होटल होते हैं महंगे फाइव स्टार होटल, उनके अंदर इनके जो है ना मांस ले जाया जाता है, जहाँ पर वीआईपी जो है ना खाना बनता है दोस्तों। ये जो है ना एक कांटे के साथ साथ जो है ना बहुत ही टेस्टी होता है। अगर आप महंगा मछली खाने वाले हैं तो इसका मांस एक बार खा के जरूर देखना। उसके बाद आता है पंकज मछली। सबसे ज्यादा बिकने वाला ये मछली जो है ना आजकल के डैम पे बहुत फेमस चल रहा है दोस्तों। ये जो है ना एक कांटे के साथ साथ चर्बी इसमें जो है ना फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और दोस्तों ये प्रोटीन से भरा मछली होता है दोस्तों। इसमें भी एक ही कांटा होता है, ज्यादा वर्जिश करने वाले लोग जो है ना इसको भी खाते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों ये देसी टेंगरा, जो के बहुत ही टेस्टी के साथ साथ जो है दोस्तों इसके अंदर भी जो है एक ही कांटा होता है। देख सकते हैं ये भाई किस तरह भर रहे, क्योंकि जो है ना ये जो है ना देसी में तो अलग ही मजा है। आप छोटा वाला जो है ना देसी की पहचान होती है। उसके बाद आता है सिंगी मछली के बारे में। दोस्तों ये मछली बहुत ही कमाल का मछली है, डॉक्टर जल्दी से अगर सलाह देना चाहते हैं तो सिंगी मछली के लिए देते हैं दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर जो है ना बहुत सारी जो है ना फायदे होते हैं, और दोस्तों ये फायदे के साथ साथ एक कांटे की मछली भी होती है, ये तो बहुत ही जबरदस्त हो गया ना, आप ये भी खा सकते हो। और दोस्तों उसके बाद आता है रेहू मछली के बारे में। दोस्तों रेहू मछली के बारे में इसलिए कंफ्यूजन रहती है लोगों की,
कि रेहू मछली लोग आमतौर पर छोटा छोटा खाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप जो है बड़ा वाला रेहू मछली ले जिसको 3-4 किलो का बैठे वो, और दोस्तों उसमें जो है ना कांटा जो है ना बड़ा बड़ा हो जाता है, उससे कांटा जो है कि जो है ना प्रॉब्लम नहीं होती आदमी को, आराम से उसका मांस खा सकता है, तो आप ले तो बड़ा। उसके बाद आता है चील मछली के बारे में। दोस्तों चील मछली बहुत ही बड़ा मछलियों में से एक मछली है। दोस्तों इसके अंदर जो है ना कम कांटा होता है, इसका जो मांस का डला होता है बहुत ही बड़ा बड़ा होता है। आप इसका गोश्त भी खा सकते हो, बहुत ही जो है ना अच्छा मांस है इसका, मैंने तो खा के नहीं देखा। उसके बाद आता है एंटर मछली। दोस्तों ये एंटर मछली जो है ना एक कांटे की मछली है। दोस्तों ये समंदर की मछली है, उसको जो है ना ज्यादा जो है ना इसको सुखाया जाता है, और दोस्तों इसको सुखाने के बाद इसका टेस्ट बढ़ जाता है। उसके बाद आता है गोल्डन मछली। दोस्तों गोल्डन मछली रेहू की तरह दिखने वाला ये मछली है, क्योंकि इसका जो है ना पेट थोड़ा बड़ा हुआ होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना पेट में जब अंडा हो जाता है तो इस तरह करके बढ़ जाता है। जो मेल जो है ना ये मछली होता है उसका जो है ना इतना पेट नहीं निकलता दोस्तों। और दोस्तों इसका जो है ना एक मतलब बहुत ही कम कांटा होता है, आप भी इसको खा सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि ये बड़ा होना। उसके बाद आता है दोस्तों ये समंदरी कौवा मछली। ये समंदरी कौवा मछली की पहचान यह है कि इसकी एक चोंच तो होती है, दूसरी चोंच जो है छोटी होती है। दोस्तों इसके अंदर भी एक ही जो है कांटा होता है, बहुत टेस्टी मछली होता है ये जो है ना, जैसा देसी वाला होता है ऐसा वाला ऐसा ही होता है बिल्कुल, इससे भी ज्यादा टेस्टी समंदरी में आता है मुझे तो यार। और यहाँ पर देख सकते हैं कितने बड़े बड़े कौवा मछली है, एक पीस में भी 1 किलो हो जाता है इतना बड़ा, और हमारा देसी वाला देखिए कितना सा, लेकिन इसमें टेस्ट ज्यादा होता है। उसके बाद आता है दोस्तों ये सिंघाड़ा मछली। दोस्तों सिंघाड़ा मछली जो है ना बहुत ही टेस्टी मछलियों में से एक है, और दोस्तों इसके अंदर जो है ना एक ही कांटा होता है और मांस भरा हुआ होता है, आप ये भी खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी। उसके बाद आता है दोस्तों ये भिटकी मछली, कोई कोई कुराल मछली भी बोलते हैं इसको, बहुत ही टेस्टी मछली होता है। सबसे ज्यादा जो है ना ये वाला मछली को पसंद करते हैं यहाँ के लोग जो है, और दोस्तों ये महंगा भी होता है, आप इसका मांस एक बार खाओगे तो दूसरी बार आप खुद कहोगे कि ये वाला लाके। और उसके बाद आता है दोस्तों ये आयला मछली। दोस्तों ये आयला मछली समंदरी मछलियों के जैसा ये इतना ही बड़ा होता है दोस्तों, और दोस्तों ये जो है ना आपको मिल जाता है 110-120 रुपए किलो दोस्तों, और जो है इसके अंदर जो है एक ही कांटा होता है, ये जो है ना थोड़ा गर्म पानी में लगते ही जो है ना इसका मांस थोड़ा टाइट भी होता है दोस्तों, और खट्टा सा मांस होता है इसका। और दोस्तों आप अगर आपको कांटा वाला मछली खाना है तो अगर उसमें ज्यादा कांटे है तो आप इस तरह करके मछली की कटिंग करा सकते हो, इसको कहते हैं बोरलेस मछली। इस तरह करके अगर आपको बोरलेस मछली खाओगे तो आपके मछली को एक भी कांटे के बिना जो है ना मछली को इस तरह करके साफ करके काट देगा। तो उसके बाद आता है ये वाला गुल्लू मछली। गुल्लू मछली दोस्तों टेस्टी के साथ साथ फायदे भी बहुत ज्यादा है, और दोस्तों इसके अंदर भी एक कांटा है, बहुत स्वादिष्ट मछली है ये देख सकते हैं आप लोग। इसमें बड़ा साइज का भी आता है, और दोस्तों ये थोड़ा सा महंगा आता है लेकिन बहुत अच्छा। उसके बाद आता है दोस्तों ये वाला बड़ा वाला डॉम। दोस्तों इसके अंदर भी एक ही कांटा होता है, ये समंदरी मछलियों में से है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मछली देख सकते हैं आप, बहुत ही भारी वाला, और जो है इसका जो मांस है वो बहुत टेस्टी होता है। उसके बाद आता है दोस्तों ये वाला टेंगरा, जो कि बड़ा साइज में हो है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही बड़ा साइज का है, मतलब कि इसका साइज इतना ही बड़ा होता है। ये एक कांटे की मछली है, टेस्टी भी बहुत है, ये जो है ना थोड़ा महंगा पड़ता है। उसके बाद आता है दोस्तों ये भोला मछली। भोला मछली दोस्तों समंदरी मछलियों में से है दोस्तों, इसके अंदर भी जो है ना एक कांटा होता है, यानी बहुत ही कम कांटा होता है, और दोस्तों अगर आप ये समंदरी मछली खाना चाहते हो तो ये भी खा सकते हो। और दोस्तों ये जो मछली देख रहे हैं आप, ये बहुत ही महंगा मछली है दोस्तों, और दोस्तों ये जो है ना एक कांटे वाली मछली है, आप अगर जो है ना समंदरी मछली खाने का शौकीन है तो आप जो है ये भी खा सकते हो। उसके बाद आता है दोस्तों ये वाला मोरला मछली, जो पहले दिखाया था उससे अलग है दोस्तों ये, और दोस्तों इसका जो है ना प्राइस जो है 100 रुपए किलो 110 रुपए किलो मिल जाता है, ये भी एक कांटे की। उसके बाद दोस्तों ये कतला मछली देख लो। दोस्तों ये बात ध्यान से सुन लो कि अगर कतला मछली छोटा हुआ तो उसमें ज्यादा कांटा होगा, और दोस्तों अगर कतला मछली बड़ा हुआ तो उसमें कांटा कम हो जाता है, यानी जो है ना कांटा कम लगता है। उसके बाद आता है दोस्तों ये मागुर मछली। मागुर मछली जो है ना बहुत ही फेमस मछली है दोस्तों, और दोस्तों इस मछली में भी एक ही कांटा होता है, अगर आप इसके खाने के शौकीन हैं तो दोस्तों ये भी आप आसानी के साथ मार्केट में मिल जाता है, ये भी खा सकते हो आप। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हो दोस्तों। और दोस्तों तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, इन चारों में से कोई एक सीधी वीडियो देख सकते हैं आप।